तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल ए टू जेड फौजी ब्लॉग में। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है सीआरपीएफ पैरामेडिकल का रिजल्ट को लेकर। आपके बार बार कमेंट आने पे हमने सोचा क्यों न इस पे जो भी जानकारी इकट्ठी हुई है हमारे पास हम आपको वो जानकारी दे दे। आपको बता दें सीआरपीएफ पैरामेडिकल जो 2020 की भर्ती है, 2023 में रिटर्न एग्जाम हो गया, 2020 में जो आपका फिजिकल भी हो गया है, बस इसका रिजल्ट आना बाकी है। उसके बाद से ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और लास्ट स्टेप है उनका ज्वाइनिंग। लेकिन अभी तक इसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है सीआरपीएफ ट्रेडमैन का। क्या रीजन है कि अभी तक जारी नहीं हो पा रहा है? तो पहला तो रीजन यही था कि जो सीआरपीएफ का आपका जो 2023 में ये वैकेंसी का जो एग्जाम कराया गया था आपका ट्रेडमैन का मार्च में, तो उसका एग्जाम तो आपको 23 में करा लिया गया। उसके बाद से आपका वैकेंसी वहीं से मार्च से लेकर अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हो पाया। तो उस समय सिर्फ एग्जाम आपका ट्रेडमैन का हुआ था, बाकी जितने पोस्ट थे उनका एग्जाम नहीं हुआ था। और अभी आपको ने देखा होगा 25 तारीख को सीआरपीएफ पैरामेडिकल का वेटनरी का आपका एग्जाम हुआ था 25 तारीख को। इसी में आपको सीआरपीएफ सॉरी दोस्तों एसएससी जीडी का भी वैकेंसी चल रहा था। और एसएससी जीडी का वैकेंसी में आपको बता दें कि उसका नोडल ऑफिस सीआरपीएफ था, जिसका रनिंग से लेके मतलब फिजिकल से लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, रिटर्न वगैरह सब कुछ का नोडल ऑफिस सीआरपीएफ था। सीआरपीएफ ने सब कुछ फाइनल करने के बाद सभी को डाटा भेज दिया है अलग अलग विभाग में, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे एसएसबी, चाहे बीएसएफ, चाहे सीआईएसएफ, सभी को उसने लास्ट फाइनली अपना रिपोर्ट पुटअप कर दिया है कि आपके ये बंदे सिलेक्टेड हैं, आप इनको अपने हिसाब से ज्वाइनिंग लेटर देके बुला सकते हैं। तो उस पर हमने एक वीडियो बना रखा है, जिनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है वो आपने जाकर देख लीजिएगा। लेकिन आज का टॉपिक हम क्लियर करेंगे सीआरपीएफ पैरामेडिकल का। तो देखिए सीआरपीएफ पैरामेडिकल का अभी कोई भी साइड पे या कहीं भी कोई नोटिस या कोई जानकारी नहीं है। ये हम मैं अपने एनालिस्ट से बता रहा हूं, मैं मेरे हिसाब से जब जो होने वाला है, हो सकता है कि चेंजिंग हो सकता है, लेकिन जो मेरा मानना है आपके साथ शेयर करूंगा। अभी इसका कोई भी साइड पे या कहीं भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि इसका संभावना क्या हो सकता था और क्या हो गया। आपने देखा होगा 2020 का वैकेंसी थी, आप 2020 की आपको थी सीआरपीएफ पैरामेडिकल की, 2021 की भर्ती थी सिविल इंजीनियर की, और 2022 की भर्ती थी आपको सॉरी एससीएम की, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का, और 22 से ही 23 का था आपको ट्रेडमैन का, ठीक है। ट्रेडमैन का, लेकिन इसी क्रम में आपको मैं बता दूं कि आपको सीआरपीएफ पैरामेडिकल, सीआरपीएफ सिविल इंजीनियर, और इसी बीच में आपको एलडीसीई यानी एससी हेड कांस्टेबल का एलडीसी के थ्रू यानी डिपार्टमेंटरी एग्जाम का आपको फॉर्म निकल गया था, जिसको फॉर्म फिलअप करके आपका रनिंग करा लिया गया। उसके बाद से ये भी पोस्टपेंड हो गया, भर्ती को दबे रहा ये भी 2 साल तक। उसके बाद से आपने 23 में देखा होगा कि अभी 24 तारीख को, 24 अगस्त को इसका एग्जाम हुआ था, और 1 अगस्त को इसका सॉरी दोस्तों 1 सितंबर को इसका आंसर की जारी कर दिया गया है। आज कल 5 तारीख है, 5 तारीख को इसका रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा, 5 से 6 और 7 से 8 इसका मेडिकल जो भी है आपका मेडिकल उनका चेक हो जाएगा। 11 तारीख तक उनका फाइनल मेरिट लिस्ट निकल के 11 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, और 15 सितंबर से शायद इनका ट्रेनिंग शेड्यूल है मेरे पास, आप बोलिएगा तो दिखा देंगे। तो हालांकि वो डिपार्टमेंटली है, उस पर चर्चा नहीं करना है, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं सीआरपीएफ पैरामेडिकल का या सीआरपीएफ ट्रेडमेंट की वैकेंसी पे उसका कुछ ना कुछ असर किया होगा, क्योंकि जो एग्जाम करा रहा है उसपे जो स्टाफ लगते हैं कहीं ना कहीं वो असर किया है।
लेकिन आप देखिए सीआरपीएफ पैरामेडिकल का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, एससी सिविल इंजीनियर का नहीं आया, और यहीं पे आपको ये दो वैकेंसी और लटके हुए दिख रहे हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का और सीआरपीएफ ट्रेडमैन का। तो लेट तो भर्ती है सीआरपीएफ पैरामेडिकल का, उसके बाद से सिविल इंजीनियर का, लेकिन अभी जहां तक मेरे जानकारी से निकल के आ रहा है तो आपका सीआरपीएफ पैरामेडिकल का और एससी सिविल इंजीनियर का भी वैकेंसी में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो ही एलडीसी का ये क्लियर हो जाता है 10-11 तारीख तक, उसके बाद से आपको देखने को मिलेगा एससीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का आपको कार्रवाई देखने को मिलेगा, इसका रिजल्ट जारी वगैरह होके प्रोसेस जी हूँ, इसका कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसमें से कुछ स्टाफ वगैरह जिसे निकलेंगे तब आपको देखने को मिल सकता है सीआरपीएफ ट्रेडमैन। और सीआरपीएफ ट्रेडमैन के लिए आपको बता दूं कि 242 या 46 सीटें कम कर दी गई है वाशरमैन की, जो अगर आपने अगर भरा होगा फॉर्म तो आप अपने स्टेट में जाकर देख लीजिएगा कि हमारे स्टेट कैटेगरी में कितनी सीटें थी और कितनी कम हो गई है। अब तो आपको बता दूं सितंबर मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको एससीएम का जीवी रिजल्ट आपको जारी हो जाएगा, इसकी प्रक्रिया रनिंग वगैरह शुरू हो जाएगी, तो आपको ट्रेडमैन का रिजल्ट जारी हो जाएगा। और ये ट्रेडमैन का रिजल्ट जारी होने का मतलब है कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल का भी ट्रेड है, जो ट्रेडमैन के एग्जाम लिए थे इसके साथ का हो सकता है इनका रिजल्ट जारी कर दी जाए, और इनके साथ ही इनका जीवी इसका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा तो इसके साथ ही ट्रेड टेस्ट के लिए बुला लिया जाए, यहां तक ही मेरा मानना है, क्योंकि जितना लेट हो गया अब ये लेट भर्ती नहीं होगी क्योंकि सीआरपीएफ के पास अब उतनी वैकेंसी भी नहीं है। बस यही 5 जो वैकेंसी है क्लियर करना, जिसमें एलडीसी क्लियर हो गया, अब बच गई है सीआरपीएफ पैरामेडिकल, एससी सिविल इंजीनियर, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री और आपको सीआरपीएफ ट्रेडमैन। तो सीआरपीएफ ट्रेडमैन का भी है और पैरामेडिकल का भी ट्रेड का है, इसका हो सकता है। बाकी आपका एससी सिविल इंजीनियर का बात कर लेते हैं, तो उसका और आपको जो भी सीआरपीएफ पैरामेडिकल में जो भी वेटनरी वगैरह एसआई इंस्पेक्टर का जो भी जिन्होंने भी टेस्ट के लिए अभी साथ बाकी है उनका एग्जाम हुआ नहीं है तो उनका हो सकता है एक साथ आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको बता दूं कि अभी तक इसका कोई मैसेज निकल के नहीं आया है, आपने बार बार इतना कमेंट किया है तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो आपके साथ सोचा एक बार शेयर कर दूं कि आप थोड़ा सा मोटिवेशन हो सके मोटिवेट हो रखे हैं। जो भी आपको देखिए मेरा कहने का मतलब आपको डीमोटिवेट नहीं करना है, आप पॉजिटिव रहिए हमेशा, आपका रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा और इसी के भरोसे नहीं बैठे रहना है। बाकी और भी वैकेंसी आ रही है आपको, सॉरी दोस्तों एसएससी जीडी की फिर न्यू वैकेंसी आपको अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा और बहुत सी वैकेंसी आ रही है, आप उसको भी फिलअप करते रहिए और बीच बीच में इसको भी देखते रहिए। और सबसे अच्छा अगर सीआरपीएफ ट्रेडमैन, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री या सीआरपीएफ पैरामेडिकल के लिए आपने दिया तो जो भी आगे का प्रोसेस है उसकी तैयारी करते रहें। ट्रेडमैन के लिए विशेष मैं बताऊंगा, चाहे सीआरपीएफ पैरामेडिकल का हो चाहे सीआरपीएफ ट्रेडमैन का, वो अपने ट्रेड पे ध्यान दे, किस ट्रेड का क्या टेस्ट होता है उसके हमने एक वीडियो बना रखा है। हालांकि देखिए ज्यादा वीडियो भी लंबी हो रही है, ट्रेड कोई जो भी टेस्ट होता है वो भास्ट नहीं होता है, बस आपको समझने की जरूरत है, तो ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा, उस टॉपिक पे बाद में बात कर लेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को प्रेस कर दे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।